नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। आज ही के दिन हमने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए इस महत्वपूर्ण और दुष्कर जंग को जीता था। इस दिन को कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता, क्योंकि भारत माँ के ना जाने कितने सपूतों ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी थी। इस शौर्य और त्याग के अवसर पर राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती वर्ष का समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अमर शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित करने के तहत देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान यानी परमवीर चक्र विजेता शहीद मनोज पांडे के पिता गोपी चंद्र पांडे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने शहीद मनोज पांडे के पिता गोपी चंद्र पांडे से बातचीत की। परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, एक ऐसा नाम जिसने शौर्य साहस से कारगिल विजय को संभव बनाया था और निश्चित रूप से इतिहास में अमर हो गए। हमारे साथ कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह पर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मनोज पांडे के पिता गोपी चंद्र पांडे। उनसे जानेंगे इस विजय के बारे में और मनोज पांडे के बारे में क्या बोलेंगे। आपके बेटे ने शौर्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल विजय को संभव बनाया था, मतलब कारगिल विजय को संभव बनाने वाले आपके मनोज पांडे आपके बेटे रहे हैं, क्या बोलेंगे इस रजत जयंती समारोह को? देखिए, ये तो एक ऐसा युद्ध था कि जिसमें पूरे भारतवर्ष की नज़र थी और बहुत कठिन युद्ध था। ये साधारण युद्ध नहीं था और उसमें मनोज की तरीके से और भी बहुत जवान ऐसे बहुत अधिकारी जवान शहीद हुए हैं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उसमें मेरा बेटा भी कैप्टन मनोज पांडे भी थे जिन्होंने अपनी शहादत दिया, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। भारत सरकार ने उनकी वीरता को देखते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया और इतिहास में उन्होंने बहुत कम उम्र में मात्र 24 साल की उम्र में अपना नाम कर लिया। बहुत समय हो गया, लगभग 25 साल हो गए हैं, तब भी बेटे की कमी को महसूस करते होंगे, क्या लगता है आज भी या गर्व से चल रही? जब तक जीवन रहेगा तब तक उसकी स्मृतियाँ जा नहीं सकती हैं, औलाद की स्मृति कभी जाती नहीं है। बिल्कुल, ये कहने को आदमी कुछ भी कह ले जी, उसको धन से नहीं तोला जाता है। बिल्कुल, उसको समाज से नहीं तोला जाता है जी। उसका बेटे का अपनी औलाद का प्रेम कुछ अलग ही होता है जो रात दिन, और फिर वो तो हमारे परिवार का पूरा गौरव थे, पूरा स्तंभ थे, तो स्तंभ गिर गया हमारे घर का। लेकिन अब विध का जो विधान है, जिसका जैसे जो कुछ लिखा पड़ा है वो वैसा ही होगा, हमारे करने से क्या होगा। हम चंद समय के लिए अफसोस कर लें तो अब ये तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, कैसे हम उसको ले करके आगे अपना जीवन यापन करते हैं, अब ये तो हमारे हमको ही समझना पड़ेगा, मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ। बेटा फौज में रहा है, आर्मी को करीब से देखा है, अभी अगर वर्तमान हम व्यवस्था देखें भारतीय सेनाओं की, तो क्या मानते हैं क्या यहाँ पर बेहतर हो रहा है और क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए, एक नागरिक की दृष्टि से कैसे देखते हैं? मेरी समझ से अग्निवीर की जो योजना है उस पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए जी। ये बच्चों के हित में कम है। अगर हम देखें कि जो शहीदों के परिवार वाले होते हैं उनको एक मुश्त राशि दी जाती है, सम्मान किया जाता है, पर अभी भी उस सम्मान की अभी भी प्रतीक्षा है। आपके मुताबिक अभी ऐसा कौन सा सम्मान है जो अभी मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला? केवल यहाँ पर परमवीर चक्र विजेता उनको घोषित किया है, उनके नाम से चौराहा है वो अलग मानते हैं, पर आपके मुताबिक और क्या क्या यहाँ पर उनको सम्मान मिलना चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया? बस कल सम्मान ही मिले वही बहुत है, अपमानित न किया जाए, उससे बचें, समाज बचे, यही उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। धन की आवश्यकता नहीं है, सहानुभूति की आवश्यकता है, सहानुभूति मिलती रहे उससे बड़ा कुछ नहीं। एक शहीद के पिता हैं, वो शहीद जो परमवीर चक्र का विजेता है जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश के एक युद्ध में जीत दिलाने में,
आम जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? मातृभूमि से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, जीवन में मातृभूमि से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और यदि हम मातृभूमि की सेवा करते हैं तो हम सबसे बड़ा काम करते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और जीवन तो चंद समय का होता है, उसमें हम जितने अच्छे काम कर सकें, जितना हम समाज को कुछ दे सकें, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मौज करेंगे मर जाएंगे। जो लोग त्याग करते हैं वो भी मरते हैं, त्याग करने वाला का वाले का चार लोग और देख करके उनसे प्रेरणा लेते हैं कि काश हमको भी ऐसा करना पड़ता, हम भी ऐसा कर पाते कि देश की सेवा कर पाते, समाज की सेवा कर पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समाज से कोई मतलब ही नहीं है, अपना खाया अपना मौज किया काम खत्म। तो दुनिया है, सब टाइप की है, लेकिन हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि भारत भूमि पर ये जन्म लिया है आपने तो उसका कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे। उन्होंने बताया है कि उनके बेटे ने साहस का परिचय नहीं दिया बल्कि अपने जीवन बलिदान कर दिया अपने देश के लिए। साथ ही साथ उन्होंने अगर व्यवस्था की बात करें तो उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर कहा है कि यहाँ पर सरकार को उस योजना को लेकर विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब कोई शहीद होता है तो उसके पूरा परिवार को कष्ट होता है, स्तंभ गिर जाते हैं। जो पीड़ा हमने रवि के चेहरे पर देखी वो कहीं ना कहीं उस योजना को लेकर इसकी गंभीरता बताती है कि विचार करना होगा। अर्जुन उन्होंने ये भी कहा है कि देश के युवाओं को यहाँ पर आगे आना चाहिए और केवल मौज मस्ती में ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए बल्कि देश के लिए निष्ठा के साथ कर्तव्य के साथ अपने आप को लगाना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। कैप्टन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।